राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सालिम अली। अरे अरे देख कितनी खूबसूरत चिड़िया। अरे हाँ बड़ी खूबसूरत है, पता नहीं किसने मारा। और ये देख इसकी गर्दन पर ये पीली धारियां, लगती तो गौरैया जैसी है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये गौरैया है नहीं। गौरैया नहीं तो फिर क्या है? हाँ चल इसे मामू के पास ले चलते हैं। हाँ चल चल, मामू तो सब जानते हैं, उन्हीं से पूछे। हाँ चल। मामू मामू मामू। अरे आओ बच्चों आओ। मामू देखिए ये क्या है? ये तो चिड़िया है सालिम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन सी चिड़िया है? मतलब इसका नाम क्या है? नाम लगती तो गौरैया जैसी है पर गर्दन पर पीली धारियां हैं। भाई नाम तो मैं भी नहीं जानता इसका। तो मामू यही तो सवाल है। अरे हाँ सालिम याद आया, इस सवाल का जवाब है W.S. मिलार्ड साहब के पास। W.S. मिलार्ड साहब? ये कौन है? ये जनाब यहाँ मुंबई में जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसके डायरेक्टर हैं। लेकिन ये क्या नाम बताया आपने, क्या सोसाइटी? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। लेकिन ये कहाँ है और हम पहुँचेंगे कैसे? मैं बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो, मैं ठीक ठाक पता लिख कर देता हूँ। वहाँ चिड़ियों, मछलियों, सांपों और इस तरह के बहुत सारे जानवरों के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। अच्छा। बहुत बड़ा संग्रह है वहाँ पर। तो चलिए ना मामू, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। हाँ चलिए ना मामू। ऐसा करो कि तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ और एक पत्र लिख देता हूँ मिस्टर मिलार्ड साहब के नाम। जी। वो भले आदमी है और हमारे दोस्त भी, तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ठीक है हम चले जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। बालक सालिम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पहुंच गए। वहां मिस्टर W.S. मिलार्ड से उनकी मुलाकात हुई। वहां तरह तरह की चिड़ियों और अन्य मृत जानवरों को संरक्षित रखा गया था। बालक सालिम पक्षियों की विविधता देखकर चकित रह गए और फिर आरंभ हुआ सालिम और मिस्टर मिलार्ड के बीच सवालों और जवाबों का एक लंबा और रोचक सिलसिला। मिस्टर मिलार्ड बालक सालिम की पक्षियों में इतनी रुचि देखकर बेहद प्रभावित हुए। और तब से लगभग हर रोज बालक सालिम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिस आने जाने लगे। यहाँ वो जल्दी ही मिस्टर मिलार्ड से ये सीख गए कि चिड़ियों को संरक्षित कैसे किया जाता है, कौन से लेपों और रसायनों के भीतर मृत चिड़ियों को लंबे समय तक बचाकर रखा जा सकता है। इसके अलावा चिड़ियों से जुड़ी तमाम जानकारियाँ उन्होंने मिस्टर मिलार्ड की मदद और अपनी अथक मेहनत के बल पर हासिल की। यही बालक सालिम अली आगे चलकर यानी बड़े होकर भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर पक्षी विज्ञानी यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट बने।
सालिम अली 12 नवंबर 1896 को मुंबई में पैदा हुए थे। 5 भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटे सालिम अली जब 2 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और साल भर बाद मां भी नहीं रही। सालिम अली का पूरा नाम था सालिम मुईउद्दीन अब्दुल अली। मां और पिता की मृत्यु के बाद सालिम अली को उनके मामू अमीरुद्दीन तैयब जी ने पाला। अमीरुद्दीन तैयब जी बड़े ही रौब और रुतबे वाले आदमी थे। वो जबरदस्त शिकारी थे। कंधे पर बंदूक टांगे वो हफ्तों जंगलों और मैदानों में शिकार की तलाश में घूमा करते। बंदूक देखकर सालिम की बहुत इच्छा होती कि उनके पास भी एक बंदूक हो। मामू तो सालिम अली पर जान छिड़कते थे। तुरंत एक एयरगन लाकर उन्होंने भांजे को दी और भांजा खुश हो गया। उसने जल्द ही अपना निशाना पक्का कर लिया और उसकी दोपहरें अब घूमने फिरने और पक्षियों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी तलाशने में बीतने लगी। सालिम की शुरुआती पढ़ाई बाइबल मेडिकल मिशन गर्ल्स हाई स्कूल गिरगाम मुंबई में हुई। बाद में उन्हें यहीं मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल में दाखिल कराया गया। सालिम अली को अंग्रेजी और भूगोल में विशेष रुचि थी। उनके अंग्रेजी में लिखे गए लेख कई पुस्तकों में भी छपे। 13-14 साल की उम्र में सालिम अली को लगातार रहने वाले सिरदर्द से छुटकारा दिलाने के लिए आबो हवा बदलने की डॉक्टरी सलाह मिली। स्कूल से कोई 6 महीने की छुट्टी दिलाकर सालिम को सिंध भेज दिया गया। यहां उनके बड़े भाई पहले से ही रहते थे। सालिम अली अपने दूसरे बड़े भाई के पास बर्मा भी गए। बर्मा की आबो हवा यानी जलवायु से सालिम को फायदा हुआ। फिर यहाँ के जंगलों में भटकने और खोजबीन का भी खूब आनंद उठाया सालिम ने। मुंबई लौटकर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1917 में सालिम अली ने अपनी बीएससी की पढ़ाई जंतु विज्ञान में पूरी की। ১৯১৮ यानी 22 साल की उम्र में सालिम की शादी हो गई। सालिम को अब जल्द ही एक नौकरी की तलाश थी। और नौकरी मिली? हाँ, नौकरी मिली और बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने चाही थी। ये नौकरी उसी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के म्यूजियम में मिली जहाँ मिस्टर मिलार्ड ने सालिम अली को चिड़ियों के बारे में बहुत कुछ बताया था। इसी म्यूजियम में सालिम अली एक गाइड के रूप में काम करने लगे। इसी बीच सालिम अली को एक सुनहरा मौका मिला। वो एक साल की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी चले गए। वहां उन्होंने मृत चिड़ियों को संग्रहालय में सुरक्षित रखने की आधुनिक तकनीक सीखी। जीवन में धूप छां भरे रास्ते हर किसी को मिलते हैं, तो सालिम अली को भी उन रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। जर्मनी से लौटे तो नौकरी न रही। सालिम अली मुश्किलों में घिर गए। इससे पहले कि मुश्किलें सालिम अली के पक्षी प्रेम को कमजोर कर पाती, बड़े ही धीरज और परिश्रम से कठिनाई पार की सालिम अली और उनकी पत्नी तहमीना ने। अब सालिम अली
मुंबई के एक मोहल्ले माहिम के एक छोटे से मकान में रहने आ गए। पेड़ों के झुरमुटों के बीच ये मकान एक सुनसान जगह पर था। नए घर का वातावरण सालिम को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ रहते हुए वो अपना काम बखूबी कर सकते थे। वो सुबह सुबह निकल जाते और देर शाम तक घूमते रहते। चिड़ियों को देखने, ढूंढने और समझने के लिए उनके पास काफी समय था। चलते वक्त उनकी नजरें पेड़ों की चोटियों और आसमान में उड़ते पक्षियों की तरफ ही लगी रहती, और इस तरह चलने से कई बार उन्हें ठोकर भी लग जाती और कई बार वो पानी भरे गड्ढे में भी गिर जाते। पर सालिम अली अपनी धुन के पक्के थे, इसलिए कोई भी ठोकर और कोई भी बाधा उन्हें रोक ना पाई। पक्षियों और जीव जंतुओं के बारे में कोई भी नतीजा एक दो दिन या हफ्तों महीनों में नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए कई बार बरसों का समय भी लगता है। अगर धीरज, लगन और मेहनत में कोई कमी आ जाए तो गलत नतीजे भी निकल सकते हैं। एक यात्रा के दौरान सालिम अली को बया के खूबसूरत घोंसले दिखाई दिए। पूरी लगन से वो उनके अध्ययन में जुट गए। महीनों तक दिन दिन भर बया के घोंसलों पर नजर रखने के बाद उन्होंने जाना कि बया के अधबने घोंसलों का राज क्या है। उन्होंने पाया कि घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर बया की होती है। मादा बया सुंदर घोंसला देखकर चुनकर उसमें अंडे देती है और सेती है। नर बया इस बीच दूसरा घोंसला बनाने लगता है। इस तरह एक ही प्रजनन काल में नर बया के दो या दो से अधिक परिवार होते हैं। ध्यान देने की बात है कि जिस दौर में बया के बारे में सालिम अली अध्ययन कर रहे थे, तब तक वैज्ञानिक ये मान चुके थे कि पिछले 100 वर्षों से ये पक्षी यानी बया लुप्त है। कुमाऊं की पहाड़ियों से बया को सालिम अली ढूंढ ही लाए थे। बया पर सालिम अली का अध्ययन उन्हें दुनिया भर में शोहरत दिला गया। 1930 में उन्होंने अपने अध्ययन की ब्योरेवार किताब प्रकाशित की। सालिम अली जब छोटे थे तब उन्हें इस बात की बड़ी कमी खलती थी कि चिड़ियों के बारे में किताबें नहीं हैं। उनके पास जो किताबें थीं, उनमें न तो उतनी विस्तृत जानकारियां थीं और न ही तस्वीरें। इस कमी को पूरा करने के लिए सालिम अली ने मेहनत की और आखिरकार 1941 में एक ऐसी ही किताब उन्होंने लिखी, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। इस किताब में सरल और रोचक भाषा में पूरी जानकारी और चिड़ियों की रंगीन खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये किताब उन सभी युवा जिज्ञासुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई जिन्हें पक्षी विज्ञान में दिलचस्पी है। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स नाम की इस किताब को बड़ी ख्याति प्राप्त है और अब तक इसके कई संस्करण छप चुके हैं। सन 1948 में सालिम अली ने विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एस दिलान रिप्ले के साथ मिलकर हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नाम की किताब दो हिस्सों में लिखी। इस किताब में इस उप महाद्वीप में पाई जाने वाली लगभग सभी चिड़ियों के बारे में सारी जानकारियां मौजूद हैं। पक्षी विज्ञान में उनके गहन योगदान के लिए सालिम अली को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले। उनमें प्रमुख हैं 1958 में पद्म भूषण, 1967 में ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक यूनियन का स्वर्ण पदक, 1976 में पद्म विभूषण, 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार और वन्य जीवन संरक्षण के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1985 में उन्हें राज्यसभा की सदस्यता के लिए मनोनीत किया गया।
अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। जून 1987 को 91 साल की उम्र में डॉक्टर सालिम अली ने इस संसार को अलविदा कहा। ।1985 में यानी अपनी मृत्यु के 2 साल पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये आत्मकथा उनके जीवन के अनेक तथ्यों पर रोशनी डालती है। चिड़ियों के बारे में जानने की लगन ने डॉक्टर सालिम अली को कभी भी टिक कर बैठने नहीं दिया। शायद यही वजह है कि जब हम चिड़ियों के बारे में कोई भी बात करते हैं तो हमें बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सालिम अली की याद बरबस हो आती है। पक्षी विज्ञान और सालिम अली एक सूत्र में बंधे हुए हैं। सालिम अली अपने सर्वेक्षणों और चिड़ियों की खोज में हैदराबाद, नीलगिरी की पहाड़ियों, सिंध के जंगलों, देहरादून, बहावलपुर, अफगानिस्तान, कैलाश मानसरोवर, कच्छ और भरतपुर आदि जगहों में बहुत बहुत समय तक रहे। चिड़ियों की तलाश सालिम अली को बीहड़ जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, घाटियों और दर्रों तक ले गई। वो ऐसी ऐसी जगहों पर गए जहां हम और आप जाने की सोच भी नहीं सकते। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां सालिम अली के गम्बूटों के निशान न बने हों। दूर दूर तक फैले उनके इन पद चिन्हों की अमिट छाप पक्षी विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में सदैव बनी रहेगी। डॉक्टर सालिम अली, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख सईद मोहम्मद इरफान, कलाकार मंजू मैनी, बाबला कोचर, राजेश आहूजा, रसज्ञ और आकाश, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।